Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How do you do, students? Hope you will be fine in the best condition of health and iman. I am your science teacher. And our lecture number is 23. Workbook page 27. And activity hai aap logon ki. Pehle hum log kya karte hain ki workbook page number 27 ko discuss karte hain. Usme kya kya cheeze hain? MCQs hain aapke aur short questions hain. So usme aap logon ka unit kaun sa chal raha hai? Animals yani ki unit number 5. Theek hai? फर्स्ट ऑफ ऑल पे आपको मैं आपकी आज की जो HOD और SOD बता दूँ. HOD क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक मुंह को साफ करने वाली है. क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक मुंह को साफ करने वाली है. SOD क्या है? ओपन योर बुक. क्या है? ओपन योर बुक. आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है? वर्कबुक पेज नंबर 27 और आप लोगों का यूनिट कौन से चल रहा है? यूनिट नंबर 5 और उसका टाइटल क्या है? एनिमल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल पे MCQs हैं. विच ऑफ दीज हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई, यानी कि इनमें से कौन सी चीज है जो कि परिंदों को उड़ने के लिए मदद करती है? तो कौन सी? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फिन. सेकेंड क्या है? फर. सी क्या है? विंग्स. एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑल. तो क्या चीज बच्चों हेल्प करती है परिंदों को उड़ने के लिए? विंग्स. वेरी गुड. तो हम लोगों ने क्या करना है? विंग्स को टिक कर देना है. ठीक है. उसके बाद हमारा सेकेंड MCQs क्या है? विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव इन वाटर, यानी कि इन एनिमल्स में से बताएं कौन से एनिमल है जो कि पानी के अंदर रहता है. ठीक है. विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव इन वाटर, यानी कि इनमें से कौन से एनिमल्स जो है वो पानी के अंदर रहते हैं. तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. सी फॉर कैट है फर्स्ट ऑप्शन. बी क्या है? फ्रॉग है. एंड सी क्या है? डॉग. लास्ट ऑप्शन क्या है? गॉड. तो आपको पता है कि कौन सा जानवर जो पानी के अंदर रहता है? बताएं. शाबाश, जरा सोचें. फ्रॉग. वेरी गुड. फ्रॉग कहाँ रहता है? पानी के अंदर रहता है. तो हम लोगों ने बी ऑप्शन को क्या करना है? टिक कर देना है. ठीक है. बी हमारा क्या है? राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्या है? बर्ड्स लिव इन देयर डैश. बर्ड्स कहाँ रहते हैं? शाबाश, बताएं. आज इसी लिहाज से हम लोगों ने एक एक्टिविटी भी करनी है. कहाँ रहते हैं बर्ड्स? हाउस में रहते हैं, नेस्ट में रहते हैं. हमारा जो थर्ड MCQs है, थर्ड ऑप्शन क्या है? ए एंड बी. लास्ट क्या है? नन. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? नेस्ट, यानी कि परिंदे अपना घोंसला बनाकर रहते हैं. तो हम लोगों ने बी ऑप्शन का क्या कर देना है? टिक कर देना है. ठीक है. लास्ट MCQs क्या है हमारा? विच ऑफ दीज इज यूज द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट. अब यानी कि इन चीजें, ये जो हमारे पास नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये चीजों के नाम बताए हुए हैं. हम लोगों ने बताना है कि कौन सी चीज जो है वो परिंदे इस्तेमाल करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए. फर्स्ट क्या है? स्ट्रिप्स ऑफ फैब्रिक, कपड़े की यानी कि छोटी छोटी सी पट्टियां कह लें आप लोग. कॉटन लीव्स, ड्राइड ग्रास यानी कि सूखी हुई घास, या फिर ऑल ऑफ अबव. तो इसका क्या आएगा आंसर? यानी कि ऑल ऑफ अबव. तो हम लोगों ने क्या करना है? इसके ऊपर टिक कर देना है. उसके बाद है बच्चों आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे. आप लोगों ने क्या करना है? उनको बुक से देखना है और आंसर यहाँ से देखने हैं. ठीक है. और फिर उनको लर्न करना है. ठीक है. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच बॉडी पार्ट्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, यानी कि कौन से जिस्म के हिस्से हैं परिंदों के जो कि उनको उड़ने में मदद देते हैं? तो हमें पता है कि विंग्स जो है वो बर्ड्स को उड़ने में मदद देते हैं. तो हम लोगों ने क्या लिखना है आंसर यहाँ पे? विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई. क्या आंसर है हमारा? विंग्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई. तो उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? नेम द फाइव एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, यानी कि उन पांच जानवरों के नाम बताने हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं. ठीक है. तो सोचे जरा आप भी. मैंने यहाँ पे फाइव लिखे हुए, ये वाले आप लोग इनके अलावा भी लिख सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई और भी आ रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट क्या है? फ्रॉग. सेकंड पे क्या है? फिश. थर्ड क्या है? सी हॉर्स. फोर्थ क्या है? शार्क. एंड लास्ट इज व्हेल. तो ये मैंने ये पांच लिखे हुए हैं. आपने क्या करना है? इनको अपनी बुक पे लिख लेना है और साथ में लर्न भी करना है. ठीक है. उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है? राइट द मटेरियल्स दैट हेल्प द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट, यानी कि वो मटेरियल हम लोगों ने लिखना है जो कि परिंदे यूज करते हैं क्या बनाने के लिए? नेस्ट, यानी कि घोंसला. वेरी गुड. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर MCQs की फॉर्म में भी है, यानी कि ये जो इसकी ऑप्शंस हैं, ये वाला आंसर भी इसका ठीक है, यानी कि स्ट्रिप्स ऑफ फैब्रिक, कॉटन लीव्स और ड्राइड ग्रास, यानी कि ये तीनों चीजें भी बर्ड्स यूज करते हैं किसके लिए? अपना घोंसला बनाने के लिए. वेरी गुड. तो आप लोग थर्ड में इनकी क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस तरह से लिख सकते हैं, ड्राइड ग्रास
रेड ग्रास हेल्प द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट, और आप तो इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सी, स्ट्रिप्स ऑफ फैब्रिक, कॉटन लीव्स, ये चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 में के आंसर में, ठीक है। उसके बाद हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या है हमारी, हेल्प द बर्ड्स यानी कि परिंदों की मदद। तो हम लोगों ने किस तरह से बर्ड की मदद करनी है, क्या है, फर्स्ट पे लेट्स हेल्प द बर्ड्स टू मेक देयर नेस्ट यानी कि उनका घोंसला बनाने में हम लोगों ने क्या करना है, बर्ड्स की हेल्प करनी है, ठीक है। लेट्स कलेक्ट, अब हम लोगों ने कौन कौन चीज़ें कलेक्ट करनी है नीचे लिखी हुई हैं, आप लोगों ने साथ साथ ही इनको पहले पढ़ना है फिर उसके बाद आप लोगों ने कलेक्ट करना है, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रिप्स ऑफ फैब्रिक यानी कि कपड़े की छोटी छोटी पट्टियाँ, हेयर शॉर्ट स्टिक्स यानी कि उन्होंने और भी लिखा हुआ है, आप लोग इनके कुछ भी इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों ने ये सारा ही मटेरियल इस्तेमाल करना है, इसमें से 2 से 3 चीज़ें आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं अपना ये नेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट मैंने क्या बताया, शॉर्ट स्ट्रिप्स ऑफ फैब्रिक, उसके बाद उसके नीचे क्या दिया हुआ है, कॉटन लीव्स, ये आप लोगों की वर्कबुक का पेज नंबर 27 है, आप लोग इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेयर एंड शॉर्ट स्टिक्स यानी कि छोटी छोटी सी, छोटे छोटे से तीन के बाल वगैरह, ड्राइड ग्रास और सूखी हुई घास जो कि हमारे लॉन में भी हमें अवेलेबल होती है, इवन के शॉर्ट स्ट्रिप्स ऑफ फैब्रिक ये भी हमारे पास घर में अवेलेबल है, ठीक है। कॉटन लीव्स, फ्लावर्ड पेटल्स एंड फेदर्स, और जो बर्ड्स होते हैं उनकी फेदर्स आप लोग ले सकते हैं, शॉर्ट पीसेज ऑफ स्ट्रिंग ये भी घर में अवेलेबल ही है, तो आप लोग कुछ छोटे छोटे पीसेज जो होते हैं स्ट्रिंग के, रस्सी के, वो आप ले सकते हैं। तो ये था हमारा मटेरियल जिसको हम लोगों ने यूज़ करना है क्या बनाने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल भी हम लोगों ने क्या करना है, यू कैन ऑल्सो चूज मटीरियल ऑफ योर ओन चॉइस, कि आप लोग अपनी ही चॉइस यानी कि अपनी मर्जी का भी मटीरियल इनमें से जो बग दिया गया है या मैंने भी आप लोगों को बताया है चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पे एक खाली बास्केट लेनी है या बैग लेना है, उसके अंदर हम लोगों ने जितना भी हमारा ये मटीरियल है, जो जो चीज़ें आप लोग ऐड करना चाहो वो ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ड्राइड ग्रास ली हुई है और कॉटन लीव्स लिए हुए हैं और कुछ तिनके लिए हुए हैं, इनके शॉर्ट स्टिक्स ली हुई हैं मैंने और फ्लावर लीव्स लिए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों ने फ्रेश फ्लावर नहीं लेना, ना ही फ्रेश लीव्स लेने हैं, बल्कि जो कि खुद ब खुद गिर जाते हैं दरख्तों से, आप लोगों ने वो चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है, वो तिनके यूज़ करने हैं, दरख्तों को ख़राब नहीं करना, ना ही उनके लीव्स को। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि जब इन आइटम्स को, ये जो चीज़ें, इस मटीरियल हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, उनको इकट्ठा करना है उस खाली बैग या उस बास्केट के अंदर, हम लोगों ने कुछ इस तरीके से रखना है कि वो एक घोंसले की शेप दे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने थोड़ी सी छोटी सी एक कोशिश की है बनाने के लिए घोंसला, तो आप देख सकते हैं इसमें तिनके भी हैं, ड्राइड ग्रास भी है, ठीक है, और फैब्रिक भी है, उसकी भी स्ट्रिप्स हैं, ये कुछ इस तरह से बनेगा। आप लोग इससे ज़्यादा अच्छा बनाएंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये एक एक्टिविटी है और ये एक इंटरटेनमेंट का भी छोटा सा पीस है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, एट द एंड हमारा मकसद तो यही है कि हम लोगों ने परिंदे की मदद करनी है उसका घोंसला बनाने में, ठीक है। हैंग द बास्केट और बैग ऑन फेंस ऑन द ट्री ब्रांच, यानी कि हम लोगों ने जो घोंसला बना लिया है या बास्केट के अंदर हम लोगों ने तिनके वगैरह सेट कर लिए हैं, ड्राइड ग्रास वगैरह सेट कर लिया है, तो उसको हम लोगों ने एट द एंड क्या करना है, एक दरख्त की शाख के नीचे लटका देना है, ताकि बर्ड इसके अंदर आसानी से आके बैठ सके, अपना घोंसला जो है इनका अपना हाउस जो उसके लिए एक शेल्टर बन चुका है वहाँ पर वो आराम से रह सके, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द मटेरियल्स इन अ बैग आफ्टर अ फ्यू डेज, के कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि उस बैग के साथ या उस नेस्ट के साथ जो हम लोगों ने बनाया क्या हुआ है, क्योंकि आया कि परिंदा वहाँ पे आया भी है, उसने अपना इसको घर तस्लीम किया है, उसके अंदर वो रह रहा है या नहीं रह रहा। तो ये आप लोगों की आज की एक्टिविटी थी जिसमें आप लोगों ने बड़ा इंजॉय किया होगा, और आप जब आप लोग इसे खुद बनाओगे तब आप लोग ज़्यादा इंजॉय करोगे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है पहले इसको थोड़ा सा देख लें। हमारा यूनिट नंबर क्या था, एनिमल, यूनिट नंबर 5 एनिमल जिसका टाइटल है, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एमसीक्यूज किए हैं। एमसीक्यूज में आप लोगों को बिल्कुल ये सिर्फ शॉर्ट और 4 आप लोगों के एमसीक्यूज हैं, मैंने मार्क किए हुए हैं, आप लोगों ने भी साथ साथ इसको लर्न किया है और साथ साथ हल किया है। उसके बाद आप लोगों के 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, उनके मैंने क्वेश्चन ही यहाँ पे लिखे, क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोले हैं और आंसर यहाँ पे लिखवाए हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी, और एक्टिविटी आप लोगों ने लाजमी करनी है। हम लोगों ने कौन सा पेज किया है आज वर्कबुक का, पेज नंबर 27, ठीक है, और एक्टिविटी लाजमी करनी है और साथ इसको एंजॉय भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।